ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे रेस्क्यू हो गया, रेस्क्यू हो गया। रुको रुको, यही में बैठा हुआ था। नहीं नहीं बड़ा है, काफी लंबा फोटो दिखा है उतना जो आप जैसे बता रहे हैं। देखिए क्या देखिए, देखिए आपका फोटो देखिए इतना बड़ा था है। जी 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 पर 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 हाँ भैया आपके सामने कहे से गिर रहा था। अच्छा काम किया ओम प्रकाश, गुड गुड गुड, आज दवा आज ओम प्रकाश को गुड मिला। अंदर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, चल रहा है तो कहा वाइट वाइट अंदर दिख रहा है। हाँ यहाँ देख लिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे रेस्क्यू हो गया, रेस्क्यू हो गया। रुको रुको, अरे बाप, किसको किसको गर्दन में पकड़ा है, दबिया देख रहे हैं कटर मशीन में लेकर जा रहा है, कटर में हटेगा क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। जैसे आज फिर हम आए हैं दुमदुमी। ये भैया कौन सा फैक्ट्री है? ये दुमदुमी का सोफा फैक्ट्री है। ये दुमदुमी का जो ये सोफा फैक्ट्री है, यानी अगले साल मैं यहाँ पे आया था और एक सांप रेस्क्यू करने के लिए। उस समय हम रेड स्नेक रेस्क्यू किए थे और आज जो है ये बेंडर क्रेज जो है ये यहाँ पे घुसा हुआ है और ये अपने भोजन के तलाश में यहाँ पर आ गए हैं और इंसानों को नजर में पड़ गया। उसके बाद जो है हमें फोन के माध्यम से सूचित किया गया कि यहाँ कुछ सांप देखा गया है, तो हम आए और सांपों को देखिए बड़ी मकसद के बाद रेस्क्यू किए। तो कहने का मतलब यही है कि सांप को देखने के बाद सांप को मारा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सांप को मारना भी नहीं चाहिए। सांप हमारे पर्यावरण मित्र है, ये अपने आहार के तलाश में ये यहाँ पर आया हुआ है। और ये जो सांप है ये हम लोग यहाँ के भाषा में इसको राज सांप बोला जाता है, हम लोग यहाँ के भाषा में, और बांग्ला में इसको शाखा मोती बोला जाता है। और इसका जो मुख्य आहार है जानते हैं क्या है? ये क्या खाता है? इसका मुख्य आहार यही एक सांप जो है, ये एक सांप दूसरे सांप को खाता है, ये दूसरे सांप को खाता है, यही एक सांप है। और इसका जो भैना में इसका जो जहर है, आज तक इसका जहर का जो है इलाज नहीं हो पाया। ये ऐसा ही खतरा सांप है, इसका इलाज आज तक नहीं हो पाया। ये अगर काट ले तो इंसान का मौत निश्चित है, इसका अभी तक अवेलेबल दवा नहीं है। तो इस सांप से बच कहीं रहना है। मगर कोई बोलता है कि ये सांप उड़ता है या दोनों पूंछी सटा के भागता है, मगर इस तरह का बात नहीं है। और ऐसा भी मतलब बोलता है कि इसका दोनों तरफ मुंह होता है, मगर देखिए ऐसा तो है नहीं, इधर मुंह है, देखिए इधर मुंह नहीं है, यही है इसका पूंछी थोड़ा मोटा होता है, इस कारण आदमी समझते हैं कि इसका दोनों तरफ मुंह होता है, मगर ऐसा बात नहीं है। इस सांप से बच के रहना है, इस सांप यही देखे। और इसका और एक खासियत है, जैसे कि देखिए ये सांप का मॉडल
त्रिभुज आकार में ये है, देख रहे हैं, हर एक सांप गोल जैसा रहता है मगर ये त्रिभुज मॉडल का है। देखिए इसका ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है बहुत ही मजबूत होता है, इसको अगर लाठी भी मारिएगा उतना जल्दी इसका असर नहीं होता है, बहुत ही शक्तिशाली सांप होता है। मगर ये जो है उतना जल्दी अभी तक काटता नहीं है, बाइट नहीं किया अभी तक, कहीं सुने हैं कि ये सांप काट के आदमी मर गया है, कहीं नहीं सुने। एक बहुत ही कम काटता है क्योंकि इसका जो टीप होता है यानी दांत होता है, 20 दंत होता है, बहुत अंदर होता है, किसी को बाइट करने में बहुत दिक्कत महसूस होता है, इसलिए ये काटना बहुत कम ही पड़ता है, बहुत कम ये बाइट करता है। तेज सांप नहीं है, मतलब थोड़ा शांत होती है। ये जो ये साइलेंट किलर का मतलब ये वही रूप है, साइलेंट किलर जो है वो जो हम लोग कॉमन किलर जो बोलते हैं उसी का ये रूप है, ये बेंडेड किलर है, ये बेंडेड किलर और वो कॉमन किलर, उसी का एक रूप ये है। और जैसे कि हमारे इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें ताकि हमसे जितना वीडियो बन रहा है वो पहुंचे। तो इन्हीं के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में हम हारू से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।